अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका आपका दोस्त है जरा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राइड बाय। जैसा कि आपको बताया जुम्मे का दिन और आपको इधर गाड़ियों की मार्केट में आ चुका है, तो आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में इधर गाड़ियां आई हुई हैं। तो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं फैमिली के लिए भी कुछ गाड़ियां मौजूद हैं। तो आ रहे हैं आपको इन गाड़ियों का वन बाई वन रिव्यू करवाते हैं और क्या क्या डिमांड है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गाड़ी है वो टोयोटा कोरोला XL है, 2008 का मॉडल है। बाकी आप इसके ये इंजन होंगी कंडीशन चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन है और 8 का मॉडल है और 18,25,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी बॉडी की आप कंडीशन चेक करते हैं, साइडें जो थी इसकी शावर हैं, छत बोनट इसका जो था वो जेन्युइन है। बाकी इंटीरियर वाइज भी आप गाड़ी की कंडीशन चेक कर सकते हैं, साफ़ सुथरी है। चारों विंडोज इसकी पावर है, मैनुअल ट्रांसमिशन में, और आपको वैसे ही पता है XL जो होती है वो मैनुअल में ही होती है। और सीटें जो थी इसकी टू टोन कलर में और डैशबोर्ड भी इसका टू टोन कलर में है, जो कि इंटीरियर वाइज गाड़ी को बहुत ही शानदार फील देता है। बाकी किसी किस्म की कोई सील वगैरह नहीं डिस्टर्ब है। बाकी बैक से आप इस गाड़ी का ऊपर भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपको जो है टायर हैं उसकी भी कंडीशन चेक करवाते हैं। बाकी आप इसकी ये बैक स्पेस चेक कर लें, वरना अक्सर होता है यहाँ से गाड़ी रस्ट वगैरह से भरी होती है। टायर की कंडीशन जो थी 80% है, डन लूप के लगे हुए हैं, अलॉय व्हील नहीं, जो सिंपल व्हील कैप है। 18-25 डिमांड है जो कि फाइनल नहीं है, आपके समय से कमी पेशी हो जाएगी। तो अब हमारे पास फैमिली के लिए बहुत ही शानदार और खूबसूरत और खुली डुली गाड़ी आई हुई है सेल होने के लिए। APV है, 2011 का मॉडल है, लाहौर की रजिस्ट्रेशन है और डिमांड जो इस गाड़ी की जा रही है तकरीबन 23,50,000 रुपया। सिल्वर कलर में है गाड़ी, जो है नीट एंड क्लीन है, जस्ट माइनर जैसे स्क्रैचेस वगैरह हैं। तो हमारे साथ फिर से मौजूद हैं इंतजामिया के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। तो मार्केट में लोगों का रुझान इतना कम क्यों हो गया हुआ है? क्या उनका माइंड सेट है कि प्राइस नीचे आएंगी और नीचे आएंगी? प्राइस नीचे नहीं आएंगी, पेट्रोल की वजह से ये जो हो रहा है ना, ये पेट्रोल की वजह से हो रहा है। पेट्रोल अब उन्होंने कहा कि हमने नीचे किया तो 2 रुपए नीचे किया है, ये आवाम के साथ मजाक ही कर रहे हैं। 2 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसे ही, 40 रुपये और कम 2 रुपए करते हैं। असल कारोबार का ये भी एक हिस्सा है, पेट्रोल डीजल जो है इसी की वजह से। तो लेकिन सोशल मीडिया पे हमें बहुत ज्यादा यही देखने को मिलता है कि प्राइसें नीचे आ गई हैं जी, प्राइसें बहुत ज्यादा नीचे आ गई हैं, आगे और आने का इम्कान है। मिलती है कोई गाड़ी बाहर से? नहीं, यही सुनने में आ रहा है ना कि ये तो मीडिया का एक अपना इशू होता है, वो जो किसी बात को ऊपर करना चाहे ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसा करें, गाड़ी मिलती नहीं, आप किसी गाड़ी के ऊपर खड़े हो जो और उसको बोलो जी रेट कम होगा तो चल आगे चला जाए, अगली गाड़ियाँ देख लेंगे। ये नहीं है, सही है। तो ऐसा करें हमारे साथ जरा मोटर वालों का नंबर शेयर कर दें। 0300 3971 595। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी नादरीन, अगर आपको जैसे ये हमारे पास गाड़ी है, आपको ये पसंद आई, आपने जैसे इसका जो था नंबर प्लेट है इसका स्क्रीन शॉट लेना है, इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है। अगर गाड़ी सोल्ड आउट ना हो सकी तो जैसे जो थे ओनर होंगे उनके साथ आपका जो था कॉन्टैक्ट है वो करवा देंगे। बाकी हम आपको रूम चेक करवाते हैं गाड़ी का, फैमिली यूज़ के लिए बहुत ही शानदार गाड़ी है ये। मैनुअल ट्रांसमिशन में LCD जो इंस्टॉल है, जो कि हेडलाइट बटन के बिल्कुल ही नीचे मौजूद है और 2350 डिमांड की जा रही है। तो अब हमारे पास जो गाड़ी आई है वो मज़दा स्क्रम में ऑटो ट्रांसमिशन में है। आपको पता है जिन भाइयों ने रेंट पे यूज़ करनी होती है वो मैनुअल में गाड़ी को ढूंढ रहे हैं, और जिन्होंने फैमिली यूज़ के लिए लेना हो वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली को आसानी हो सके, तो ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं। 14 का मॉडल है, 19 की इम्पोर्ट है, 20 की रजिस्ट्रेशन है और लाहौर की इस गाड़ी को ही है। और डिमांड जो इस गाड़ी की जा रही है तकरीबन 18 लाख रुपये है। जस्ट जो आप ये बैच देख रहे हैं सुजुकी, निसान और मज़दा, जस्ट बैच ही चेंज है, बाकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो सुजुकी वालों की ही होती है। लेकिन अगर आप यही गाड़ी इस मॉडल में सुजुकी एवरी लेना चाहें तो उसकी प्राइस आपको जब आप सुनेंगे खुद ही आपको पता चलेगा कि कितना प्राइस का डिफरेंस होता है जस्ट बैच का। दो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं वो फिर सुजुकी की तरफ जा सकते हैं, और जिन्होंने बस गाड़ी यूज़ करनी है और उसके ये उनके लिए है तो आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी जो थी वो लागे, लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपको मेरा कैमरा मिरर में से दिखा सके, मोस्टली इंटीरियर हमें पैसे ही देखने को मिलता है, जस्ट बॉडी की कंडीशन देखने वाली होती है। मोस्टली कोई स्क्रैचेज वगैरह या डेंट वगैरह तो नहीं गाड़ी पर मौजूद है, लेकिन गाड़ी की ऐसी कंडीशन नहीं है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। तो अब हमारे पास बुलान आया हुआ है, 2011 मॉडल है, सेफ्टी गार्ड मौजूद है, आप जैसा कि फ्रंट पे दे और साइड्स पर देख सकते हैं। 11 का मॉडल और 6,50,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। ब्लैक कलर में इसकी सीट्स हैं, इंटीरियर आप कंसीडर कर सकते हैं, टोटल ही ब्लैक है। बाकी टायर वगैरह की कंडीशन
नॉर्मल है। बैक के जो से टायर हैं वो ब्रांड न्यू हैं, फ्रंट के जो उनसे हैं वो ज़रा 50-50 आप कह सकते हैं, जो कि आपको कोई ज़्यादा अच्छा नहीं निकलवाएंगे, फिर आपको ये चेंज करवाने पड़ जाएंगे। तो अब हमारे पास एक और प्लान मौजूद है, ये 11 मॉडल था, ये हमारे पास 12 मॉडल है। जैसे इसकी फ्रंट स्क्रीन ब्रेक है, बाकी टेपिंग वगैरह इस पर हुई है, जो कि गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। स्कीम वाला डब्बा है ये, और 7 लाख रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है, जो हमारे पास 11 थी उसकी 6.5 डिमांड की जा रही थी, ये 12 है इसकी 7 लाख रुपया की जा रही है। बाकी आपकी ये सीट्स वगैरह देख सकते हैं, जो कि सोफ़ा सीट्स हैं, गाड़ी को इंटीरियर काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। बाकी ये चेक कर सकते हैं आप इसके की सेफ्टी कार्ड। तो इधर हमारे पास और भी जो सी गाड़ियाँ हैं वो भी मौजूद हैं, ये एक और प्लान मौजूद है इसकी 7.5 डिमांड की जा रही थी, एक जो था फ्रंट पे दिखाया था वो 11 मॉडल था वो भी, लेकिन उसकी 6.5 डिमांड की जा रही थी। तो ये हमारे बड़े ही प्यारे भाई तो ये देख सकते हैं, जैसा आपको ये देना था, नहीं नहीं ये जस्ट भाई नंबर वगैरह जो थे वो नोट कर रहे होते हैं, इसी तरह जो भी आपको गाड़ी पसंद आती है तो उसके साथ आपका मौके पर जो भी होती है उसको नेगोशिएट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास मेहरान मौजूद है 2018 मॉडल है, तो इसकी 13,50,000 रुपया डिमांड की जा रही है, जिन्होंने ऊपर नंबर भी जो था वो मैंशन किया होगा वो हम आपको बता देते हैं, 03216414287। तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, गाड़ी के जो से ऑनर है उनसे रब्ता कर सकते हैं। सीटें जो इसकी टू टून कलर में रेड और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ है, ब्रांड न्यू टायर हैं, अलॉय व्हील मौजूद हैं और लाहौर की रजिस्ट्रेशन है। तो हमारे पास एक और एक्सेल आई हुई है सेल होने के लिए 2010 मॉडल, तो भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भैया ठीक। तो सर एक्सेल लेके आई हैं? जी सर। तो कौन सा मॉडल है ये? 10 मॉडल है भाई। तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 18.5 लाख। तो मार्केट में कोई आया रेट वगैरह शुरू लगा गया? नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी वैसे भी जुमा बाजार का स्टार्ट ही है तकरीबन। तो आपका माइंड फाइनल कहाँ तक है? 18 तक का। मैं कमी बेशी हो सकती है अगर भाई इंटरेस्ट रखता है तो। तो बॉडी वाइज कितनी जेन्युइन है? 3-4 पीसों की टचिंग है। 3-4 पीसों की टचिंग है। तो सेकंड हैंड ऑनर है? सही। तो चाली कितनी हुई है गाड़ी, माइलेज क्या है? 2,40,000। सही। तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर कर दें? 03076454240। बहुत शुक्रिया जी। जी ना ये हमारे पास एक्सेल आई हुई है सेल होने के लिए, अगर वो इंटरेस्ट रखता है तो रब्ता करके फर्दर डिटेल गाड़ी के मुतालिक ले सकता है। तो अब हमारी ये एक पाकिस्तानी गाड़ी है, जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट जा रहे हैं, बल्कि जो लोग इस गाड़ी के दीवाने हैं वो दूसरी गाड़ी की तरफ कम ही मूव करते हैं। 2007 का मॉडल है और 5.5 लाख रुपया डिमांड की जा रही है। टायर ब्रांड न्यू है, अलॉय व्हील भी मौजूद है। बाकी ये डोर्स की कंडीशन चेक कर लें, इंटीरियर नीट एंड क्लीन है, डस्ट वगैरह है गाड़ी में। बाकी बैक से आप सीटें वगैरह चेक कर सकते हैं, इस वक्त ये गाड़ी जो है इधर बाहू मोटर पर सेल होने के लिए आई हुई है। तो अब हमें इजाज़त दें, मोटर वालों का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।